का सफ़र। आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ट्रेन का सफ़र ज़रूर किया होगा। मैंने भी बहुत किया था और मेरे लिए ये एक नया सफ़र था। कभी मैं कहीं भी आसपास या कहीं भी जाता था तो मैं इंदौर पर लगी ट्रेन को देखा करता था कि लोग कैसे 16-17 घंटे का ट्रैवल कर और इतनी दूर तक चले जाते हैं, वो भी ट्रेन से। तो आज मैं जाने वाला था दिल्ली से इंदौर अपनी ट्रेन जर्नी को पूरा करने के लिए अपने मम्मी और पापा के साथ। तो ये ट्रिप काफ़ी एडवेंचरस रहने वाली थी जैसा मुझे लग रहा था, और आगे चल के देखते हैं क्या होता है। उसके लिए व्लॉग को पूरा देखें। शिवम आनंद और आज मैं लेके आया एक नया व्लॉग, और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तो आज मैं दिखाने वाला हूँ दिल्ली टू इंदौर की ट्रेन जर्नी। मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के घर पे अपनी फैमिली के साथ, तो पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा मेरी कौन सी ट्रेन है, वो किस टाइम पर आएगी और किस टाइम पर पहुँचाएगी। तो अभी हमारे बैग्स जो है वो रेडी हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बैग्स दिखा देता हूँ, और हम सब बैग्स लेके बस निकलने वाले हैं। मैं यहाँ से बुक कर रहा हूँ कैब, और जैसे ही आती है और हम यहाँ से निकल जाएंगे, और बस देखते हैं कैसी जर्नी रहने वाली है। बिकॉज मैं पहली बार इंदौर जा रहा हूँ, मैंने सुना बहुत है कि बहुत अच्छी है इंदौर, देखते हैं कैसी रही। 2, 3, 4, 5 ये कितने सारे बैग बना लिए मम्मी। पिकनिक पर जा रही हो क्या? किस पर जा रही हो तुम? मैं इंदौर जा रही हूँ अपनी बेटी के। तो पिकनिक पर जा रही हो, क्या कर रही हो, इतने बैग बना लिए तुमने? अरे भाई, छः सात बैग बना लिए हैं, ये बड़े बड़े बैग और ये बड़े बड़े बैग, फुल बड़े बैग। भाई अभी हम आ गए हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, अब आके देखते हैं अपना प्लेटफॉर्म कौन सा है और ट्रेन कहाँ पे आई। स्टेशन पे पहुँच गए हैं बट अभी ट्रेन नहीं आई है, और जब तक यही खड़ा हूँ, और लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी पहुँच गए हम। जैसी आती ट्रेन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं डब्बे ढूँढ रहा हूँ अपने, यहाँ बैठे हुए ट्रेन का वेट कर रहे हैं। मालगाड़ी जा रही है सामने से, जल्दी आ गया। जल्दी आने का नुकसान है, जल्दी इसलिए आए हैं क्योंकि पिछली बारी मैंने इनको भगाया था ट्रेन के लिए, इनसे भागा नहीं आता, इसलिए जल्दी ले आए। चलो कोई बात नहीं, ये भी जा रहे हैं।
अभी हम उज्जैन में, और उज्जैन फेमस है अपने महाकालेश्वर मंदिर के लिए, जो शिवजी जी का बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ भस्म आरती भी होती है। तो यहाँ पे भी मैं जाऊँगा, बट यहाँ का जो व्लॉग आएगा वो अलग आएगा, बट अभी सिर्फ ट्रेन व्लॉग है। तो इससे दो स्टेशन इंदौर है, बट यहाँ से 2 घंटे लगते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो है ट्रेन का पूरा इंजन चेंज हो जाता है। तो ट्रेन का पूरा इंजन चेंज होगा यहाँ से, और वो दोबारा से उस तरफ जाएगी, तो इस वजह से यहाँ पे टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खड़ा होकर बाहर घूमता हूँ स्टेशन को, क्योंकि 25 मिनट यहाँ खड़ी रहेगी ट्रेन, और इसके बाद यहाँ से चलेगी। जो मेरी ट्रेन है, बताना भूल गया था आपको पहले भी, ट्रेन का नाम है चंडीगढ़ और इंदौर एक्सप्रेस। तो 16 घंटे का पूरा रास्ता था, जिसमें से मेरे हिसाब से अभी 13 घंटे का सफ़र पूरा हो चुका है। पता नहीं चला, बिकॉज एसी में बैठे हुए थे, और काफ़ी अच्छा स्टेशन, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो वो सब यही है बस, मंदिर बहुत सारे हैं, स्टेशन के पास भी मंदिर दिख रहे हैं, बट जो मेन फेमस है वो महाकालेश्वर मंदिर के लिए फेमस है, जो शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ आगे ब्लॉग्स के लिए। मम्मी ने खीरे काट लिए, पूड़ी बैग चल रही है, एक पूरा बैग पूड़ी होगा था। पूरा बैग पूड़ी का उनके लाई थी, बड़ा होगा तो भी चल रहा है। मैं तो भाई खीरे खा रहा हूँ, सबसे बढ़िया मैंने जुगाड़ ले लिया है, बढ़िया टाइम कट रहा है ट्रेन में बैठे बैठे। बढ़िया चाय, ठीक है ठीक है, देखना। What we do here is go back, 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 back. भाई जो जाने वाला है इंदौर, और खाने पीने तो आते हैं यहाँ पे भी, अपना लेके आओ तो बेस्ट है, बाकी ट्रेन में भी समोसे वगैरह आते रहते हैं, पर अपना खाना लेके आओ तो वही सही है। और पीने वीने के तो पानी वानी खरीद के पी सकते हो, ऑक्सीजन पे मिलता है। तो बस आने वाला है, मेरे घर से आ ही गया, तो उतर गया पर दिखाता हूँ इंदौर स्टेशन, और वहाँ हमारी जर्नी होगी एंड। और देखो भाई बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पे, क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, और मौसम यहाँ पे बारिश वाला है, तो अपनी दिल्ली से बढ़िया मौसम हो रखा है यहाँ पे, बारिश आ रही है कम से कम यहाँ पे, बादल तो नहीं हो रहा है। आ चुके हैं इंदौर में, और यहाँ पे हमारा इस लोग को ख़त्म करता हूँ। तो ट्रेन जर्नी जो है वो ठीक थी, तो उज्जैन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बट इसको थोड़ा टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं, बट इसके अलावा ट्रेन जर्नी ओके थी, ट्रेन ओके थी, बाकी लोग भी सब ओके थे। तो आप इस ट्रेन को आके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो इस ट्रेन को। इस मिलते हैं अगले लोगों के साथ जल्दी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें चैनल। बाय बाय गाइस।